सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 52 पंचायती राज एवं मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से पलायन रोकने के लिए विचार रखते हैं तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मैं सोचती हूँ कि हमें हर पंचायत में स्कूल, पार्क, चिकित्सा केंद्र, शमशान, खेल मैदान एवं सामुदायिक भवन का अलॉटमेंट एवं निर्माण पे ध्यान देना महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं, इस पे हमें प्राथमिकता लेनी चाहिए। इसी में कई ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव तो ले रखे हैं ऐसे खेल मैदान के लिए, सामुदायिक भवन के लिए, परंतु प्रशासन स्वीकृति नहीं दे रही है। वो SDM से फाइल ADM के पास पहुंचाने में, ADM से कलेक्टर तक पहुंचाने में बहुत विलंब करते हैं या फाइल एक तरफ पटक देते हैं और ये गांव वालों की समस्या पे गंभीरता से नहीं ध्यान दे रहे हैं। अलॉटमेंट की ही बात करूँ तो कई ऐसे पंचायत हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो पेरिफ्री में आ रहे हैं। इसके कारण पंचायतों की जमीन UIT के अधीन हो गई है और पंचायत को हर कार्य के लिए UIT से NOC जारी करानी पड़ती है, भले ही पौधा लगाने का कार्य हो या आबादी विस्तार का काम हो, उन्हें NOC लेनी पड़ती है UIT से। कभी कभी UIT NOC तो दे देती है पर अलॉटमेंट का लेटर नहीं निकालती है। अलॉटमेंट की ही बात करूं तो मेरे ग्राम पंचायत रंगपुर में थोड़े दिन पहले ही शमशान के लिए ज़मीन अलॉट की गई थी, परंतु उस शमशान की ज़मीन पे पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो कैसे पहुंचे उस शमशान पे? जिस खातेदारी की ज़मीन थी, जब भी किसी को शमशान जाना था उस टाइम लड़ाई होती थी उस खातेदारी से। तो ऐसे समय में जब परिवार दुख की घड़ी में है और फिर वो उस खातेदारी से लड़ाई करे, मेरा आपसे आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि अधिकारी इसका भी पहल निकाल, या तो इसमें रास्ता दे या एक दूसरी जमीन अलॉट करा दे। वहीं रंगपुर पंचायत में बहुत रिसेंटली बाहर के लोगों के आपने DLC रेट पे जमीन बेची है, उसी के बगल में जमीन अभी भी है, या तो उस जमीन को अलॉट करा दे या जो वर्तमान में आपने अलॉट कराई है उसके लिए रास्ता निकाल दे शमशान घाट के लिए। इसी पंचायत की बात करूं तो ये ग्राम गंगाईचा इस पंचायत में आता है। लगातार मैं ये समस्या के बारे में सदन में भी मैं बात कर रही हूँ। ये गंगाईचा जो है बिल्कुल चंबल के किनारे बसा हुआ है और कटाव के कारण ये खतरे में है, कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। हमने इस गांव के लिए एक सुरक्षा दीवार की मांग रखी थी जो शुरू में 1.8 करोड़ की का प्रस्ताव बना था। आज क्योंकि अभी तक उस सुरक्षा दीवार को नहीं बनाया गया है, उसी सुरक्षा दीवार का आज की तारीख में प्रस्ताव 7 करोड़ का बन गया है, परंतु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आए दिन मुझे कहते हैं कि फंड के अभाव में ये नहीं हो सकता है। तो जब आप DLC रेट पे इसी पंचायत की ज़मीन बेच रहे हैं तो उस ज़मीन का पैसा इस गांव वालों के लिए, इन ग्रामवासियों के सुविधा के लिए, इनको बचाने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे ही आपने एक पट्टा अभियान चलाया था, परंतु क्या आपने कलेक्टर SDM से ये पूछा कि क्या समस्या आ रही है गाँव में, क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टे जारी किए गए हैं? ऐसे जो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे थे जो मिल नहीं रहे थे, तो ऐसा क्या आप उसके लिए रास्ता निकाल सकते हैं ताकि गाँव वालों को पट्टे मिल सके? इसी संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ कि कृषि भूमि में कई गाँव वालों ने बहुत साल पहले अपने बाड़े की ज़मीन बेच दी होगी और मकान बन चुके हैं। 50 साल पहले, 60 साल पहले ज़मीन जो बेची गई है, या लोग ग्राम वालों ने ही खुद अपने मकान बना लिए हों या परिवार में बंटवारा के कारण, परंतु उनको भी पट्टे नहीं जारी किए जा रहे हैं। तो इस पर भी आप ध्यान दें। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि या तो वो पटवारी, ग्राम सेवक, किसी को ऐसे ऑथराइज करें कि वो सर्वे करें और जो 50, 60, 70 जो भी आप निर्णय कर लें कितने समय के लिए, उनको जाके सर्वे करें और ऐसे लोगों तो कम से कम पट्टे दे दिया जाए। बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्राम सेवक की बात करूँ तो एक ग्राम सेवक को चार, एक मिनट, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, चार चार
पंचायत दिए हैं, एक मेरी महिला ग्राम सेवक है जिसको 8 बार आपने ट्रांसफर करा दिया है और वर्तमान में उसको आपने सस्पेंड करा, जबकि उसका आईडी भी नहीं बना है, तो क्यों सस्पेंड करा है? ऐसे एक महिला ग्राम सेवक के पीछे क्यों उसको परेशान किया जा रहा है? ग्राम सेवक ऑलरेडी इतना भारी काम कर रहे हैं, एक ग्राम सेवक लगभग 3 या 4 पंचायत हैंडल कर रहा है, तो मेरा आपसे ये मांग है, ये शालिनी हांडा जो मेरी ग्राम सेवक है, इसको परेशान क्यों किया जा रहा है, या प्लीज इसको ध्यान में ले। दूसरा, इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी एक ग्राम पंचायत कोलाना है जिसमें बावड़ी खेड़ा आता है, उस ग्राम पंचायत में लगभग 18 गांव हैं। बावड़ी खेड़ा जो एक दूसरे एंड पे है, लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पे लोगों को आना पड़ता है, बारिश के समय में ये पूरा कट जाता है क्योंकि बीच में आलिया बांध भी आता है। मेरे आपसे निवेदन है कि इसको एक अलग पंचायत बनाए ताकि जब कोलाना पंचायत और बावड़ी खेड़ा दोनों इन 18 गांवों को ग्राम वासियों के जो रोजमर्रा काम होते हैं इनको इसका सुविधा मिले। साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि मंडाना मेरा डार्क जोन है, यहाँ सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मांग रखती हूँ कि आप थोड़ा इस पे आपकी तरफ से भी ध्यान दें कि सिंचाई का पानी कैसे इन लोगों को दिया जाए ताकि ये अपना कार्य कर सके। बिजली की समस्या एक लास्ट पॉइंट, बिजली की समस्या जो है आए दिन कटौती होती है, वो भी शाम के समय। महिला पूरे दिन खेत में काम करके आती है, जब उसको खाना बनाना होता है बिजली काट देते हैं। बेचारी महिलाएं कितना काम कर रही हैं, थक के आती हैं, क्यों ऐसे समय पे बिजली की कटौती करें? आए दिन 3-4 घंटे की कटौती कर रहे हैं। दूसरा, एमएलए फंड की बात करूं तो मेरे यहां से एफएसटीएस जारी करने में इतना विलंब कर रहे हैं, कई कार्य ऐसे हैं जो एक साल पहले हमने दिया हुआ है फिर भी लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल रही है, इनका लाभ नहीं मिल रहा है। अगर हम चाहते हैं कि गांव मजबूत होंगे तभी हमारा विकास होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।